नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक, उनकी धर्मपत्नी और बेटा बेटी की हत्या के आरोपी हिमांशु सैनी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामली ने दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि 30 दिसंबर 2019 की रात्रि शामली की पंजाबी कॉलोनी निवासी प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक, उनकी धर्मपत्नी और बेटे व बेटी की धारदार हथियारों से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या के अगले ही दिन मृतक अजय पाठक का शिष्य हिमांशु सैनी निवासी झाड़खेड़ी कैराना पानीपत के टोल प्लाजा के पास मृतक अजय पाठक की गाड़ी के साथ उस समय पकड़ा गया था जब हत्यारोपी अजय पाठक के बेटे भागवत का शव गाड़ी में डालकर गाड़ी में आग लगा रहा था। बाद में पुलिस ने हत्यारोपी की निशानदेही पर अजय पाठक के घर से लूटे गए लाखों के सोने व जेवरात दिल्ली से बरामद कर लिए थे। पुलिस ने हिमांशु सैनी का चालान करके न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया था, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। यह मामला कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामली के न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को विद्वान न्यायाधीश अनिल कुमार ने हत्या अभियुक्त हिमांशु सैनी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।